भाई आज इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे कामों के बारे में बताने वाला हूँ जिनको आपको दबा के करना है अगर आप किसी लड़की को पटाना चाहते हो या किसी बंदी को इम्प्रेस करना चाहते हो। वैसे तो भाई बंदीबाजी में कोई भी काम हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तीन काम वो हैं। अगर आप ये तीन काम हद से ज़्यादा भी कर दोगे तो भाई इससे ये फ़र्क पड़ेगा जिस लड़की को आप इम्प्रेस करना चाहते हो या जिस लड़की को आप पटाना चाहते हो उसके पटने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। और भाई ये भी हो सकता है ये 3-4 मिनट की वीडियो देखने के बाद वो बंदी आपसे सेट हो जाए। तो भाई इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को स्किप वगैरह मत करना और कंटिन्यू एंड तक देखना। तो भाई पहला काम जो आपको करना है वो है ऑफर टू द गर्ल समथिंग। भाई लड़की आपके कॉलेज की हो, स्कूल की हो या ट्यूशन की हो, डजंट मैटर। बस यहाँ मैटर इतना था आपसे लड़की की थोड़ी बहुत बातचीत होनी चाहिए और उस बातचीत के बीच में आपको लड़की से बिना डरे बातों बातों में कुछ ऑफर करना है। अब यहाँ मैटर की बात यह है कि लड़की को ऑफर क्या करना है। भाई लड़की से आप बात करते हो आपको पता होना चाहिए, बाकी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो भाई लड़कियों को बाहर की चीजें बहुत पसंद होती है, खासकर फास्ट फूड, लेकिन भाई अपनी इतनी औकात नहीं है कि उस लड़की के लिए इतना करें। पर आप यहाँ लड़की को बातों बातों में एक छोटी सी चीज ऑफर कर सकते हो। आप लड़की को बोल सकते हो यार हमारे कॉफी वाला है, वो कॉफी बड़ी सॉलिड बनाता है यार, खासकर ब्लैक कॉफी, तुमने पी है क्या? अब यहां अगर आपको लड़की बोलती है कि नहीं मैंने नहीं पी, तो आप उसे बोल सकते हो यार चलो आज शाम को ट्राई करते हैं, फिर तुम बताना कैसी बनाता है, देखो बारिश का भी मौसम हो रहा है। तो भाई यहां अगर लड़की के दिल में आपके लिए 1% भी जगह होगी तो भाई लड़की मना नहीं करेगी। और अगर लड़की से आपकी अच्छी खासी बॉन्डिंग है तो आप उसको मूवी वगैरह भी ऑफर कर सकते हो। और आप उसे बोल सकते हो यार इस फ्राइडे हॉलीवुड की ये मूवी रिलीज हुई है, अच्छा बिजनेस कर रही है, देखने चलें क्या कैसी है। अगर भाई लड़की आपको इन दोनों सिचुएशन में से किसी भी सिचुएशन में हां कर देती है तो आपको लड़की के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का समय मिल जाएगा। और वहां फिर भाई आप लड़की से थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत ही करना। और भाई जब आप लड़की से फ्लर्ट करोगे ना तो उसके पटने के और इंप्रेस होने के चांस दोनों बढ़ जाएंगे। बट भाई आई होप यहाँ लड़की आपके प्रति थोड़ी सी होनेस्ट होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो यहाँ लड़की आपके नोट खर्च करवा के वहां मजे वो किसी और को ही दे रही हो। आई होप ऐसा ना हो। तो भाई अब चलते अपने दूसरे काम की तरफ जो है टेक सजेशन एंड गिव सजेशन। इसका मतलब तो भाई आपको पता चल ही गया होगा, बाकी मैं आपको थोड़ा सही से बता देता हूँ। इसका मतलब भाई लड़की से बातों बातों में सजेशन लो और कुछ भी पहन लो कि मेरी एल्डर सिस्टर और इस बार रक्षाबंधन आ रहा है और मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हूँ कि इस बार उन्हें क्या दूँ, तो मुझे कुछ सजेशन दो। अब भाई मैं जानता हूँ कि लड़कियों में थोड़ा सा दिमाग कम होता है, लेकिन भाई वो सजेशन बहुत अच्छे देती हैं और उन्हें पर्सनली बहुत पसंद होता है जब उनसे कोई सजेशन लेता है। अब भाई यहाँ 99.9% लड़की आपको कुछ ना कुछ सजेशन जरूर देगी। और भाई जब लड़की आपको सजेशन देगी तो आपकी बातें भी आगे बढ़ेगी, और जब भाई आपकी बातें आगे बढ़ेगी तो लड़की के पटने के और इम्प्रेस होने के चांसेस दोनों बढ़ जाए। और कल को अगर लड़की किसी चीज को लेकर कंफ्यूज होगी तो वो गारंटेड आपसे शेयर करेगी और आपसे सजेशन मांगेगी। लेकिन भाई फिर बोल रहा हूँ लड़की यहाँ लॉयल होनी चाहिए। तो भाई अब चलते हैं अपने तीसरे काम की तरफ जो आपको दबा के करना चाहिए, वो है शो सेम फैक्ट टू द गर्ल। अब भाई ये ना नेचुरली होता है, जब किसी बंदे को ऐसी बंदी मिलती है या किसी बंदी को ऐसा बंदा मिलता है जो उसी की तरह सोचता है, उसी की तरह करता है या थोड़ा बहुत उसी की तरह बोलता है, तो वो बंदी ना उस बंदे से ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट और इम्प्रेस दोनों होती है। और भाई ये सब ना नेचुरली होता है। तो भाई बंदी आपके पड़ोस की हो या आपके ऑफिस की हो या आपके कॉलेज की हो या आपके ट्यूशन की हो या कहीं की भी हो, वो मैटर नहीं करता। यहाँ मैटर ये करता है, यहाँ आपको लड़की को शो कराना पड़ता है कि जिस लड़की को आप पटाना चाहते हो, जिस लड़की को आप इंप्रेस करना चाहते हो, उसके और आपके थॉट्स मैच करते हैं। अब एग्जांपल के लिए आप ये शो कराओ कि जो उसका फेवरेट फूड है वो आपका भी फेवरेट फूड है, और जो उसका फेवरेट कलर है वो आपका भी फेवरेट कलर है, और जो उसका फेवरेट पॉलिटिशियन है वो आपका भी फेवरेट पॉलिटिशियन है। लेकिन भाई यहाँ एक चीज ध्यान रखना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ लड़कियों में भी थोड़ा बहुत दिमाग होता है, बिल्कुल आप कॉपी पेस्ट मत करना। तो भाई ये तीन काम थे जो आपको किसी भी लड़की को पटाने के लिए या किसी भी लड़की को इंप्रेस करने के लिए दबा के करने चाहिए। लेकिन जो सेकंड काम था टेक सजेशन और गिफ्ट सजेशन, इसमें से टेक सजेशन थोड़ा सा कम ही करना, नहीं तो भाई लड़की आपको भोंदू समझ सकती है। और ये जो गिफ्ट सजेशन था ये तभी देना जब लड़की आपसे सजेशन मांगे, जबरदस्ती वाला काम मत करना। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस तरह की वैल्यूएबल वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में नोटिफिकेशन आएगा, उस पर एक बार प्रेस कर देना और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना प्लीज यार। आते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।